हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के पार्ट 3 का, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा एवं लिपि। हर एक एग्ज़ाम में ये इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हो, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, जेल बार्डन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें, तो आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें हिंदी का सिलेबस है और हिंदी की जब सिलेबस है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, ठीक है, और डेली हम 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कराते हैं और हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अटैम्प्ट करा रहे हैं। तो ये हमारा इस पार्ट का, इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है ये, जो कि हम लगभग ये 60 क्वेश्चन के नियर अबाउट अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। और ये सिर्फ एक चैप्टर से बना हुआ इतना क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और फ्रेंड्स में अपने शेयर भी कर दें इस चैनल को, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बताइए बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी जो हैं, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राजा जयसिंह के दरबारी के थे, ठीक है, आप डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन आप देख के, एक सेकंड समय देता हूँ मैं आप लोग को, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में, आपने माइंड में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ चुका होगा, ठीक है, नहीं पढ़े तो एक तरीके से पढ़िए, और इसकी थियोरी भी बनी हुई है, ठीक है, इसकी वीडियो थियोरी की भी है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, और जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं पहले, तो इसके दो पार्ट पहले के भी उसे देख लेंगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये राजा जयसिंह के थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सेकेंड क्वेश्चन है कामायनी को वृहद फैंटेसी किसने कहा था। बताइए किसने कहा था वृहद फैंटेसी, कामायनी को किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका होगा, राइट ऑप्शन क्या है बताइए आप, 42 का राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, ठीक है, मुक्ति बोध ने, ठीक है, मुक्ति बोध ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 3 इसका है, ठीक है, हम लगभग 43 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हैं, इसीलिए 43 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रगतिवादी युग की विशेषता बताइए आप, प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या होती है बताइए। तो ऑप्शन आप सबको सब दिख रहा, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन दिखा दें आपको। चलिए तो प्रगतिवादी का युग की विशेषता होगी ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी विचारधारा तथा शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, ये आपका हो गया इसका राइट आंसर। यानी कि प्रगतिवादी लिखा ना, प्रगतिवादी युग की विशेषता अगर आपसे पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे, साम्यवादी विचारधारा तथा शोधित वर्ग का पीड़ा का चित्रण, ठीक है, इस तरीके से आप इसका बताएंगे आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करते हैं, राजभाषा का सही अर्थ बताइए क्या होता है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है। तो राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएँ, ठीक है सर। किसी राज्य विशेष इस तरीके का आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 44 का डी राइट होगा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएँ, ठीक है, उसे राजभाषाएँ कहते हैं, ठीक है, इसका सही अर्थ है ये, ठीक है, ये नहीं कि किसी इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि फर्स्ट संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट लिखा ना, विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है बताइए, 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है। फर्स्ट नेपाली लिखा हुआ, सेकंड मणिपुरी, थर्ड मैथिली और फोर्थ कोंकणी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा, मैथिली, ठीक है, कौन सा राइट आंसर है, मैथिली। अब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा एवं लिपि, ठीक है, उस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। चलिए हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया था बताइए, कितनी अच्छी बात बताया गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब किया था बताइए ना, कि भाई जो संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो कब किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1955 में किया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 747 की अगर हम बात करते हैं, तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? बताइए, जो आधुनिक देवनागरी है, जो आधुनिक देवनागरी है, इसका प्राचीन रूप की अगर हम बात करें, किससे ये बना हुआ है, किससे ये बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी से। किससे? ब्राह्मी से ये बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा, गुजरात के राजा जयभट्ट, जो 7वीं-8वीं सती ईस्वी की, दिखा ना, और शताब्दी ईस्वी, और ये के शिला लेख में हुआ है। ऐसे लर्न कर सकते हैं कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। चलिए इस तरीके से याद करेंगे, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम करते हैं, तो सिंधु लिपि को बाएँ से दाएँ, ठीक है, सिंधु लिपि को बाएँ से दाएँ पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। बताइए, जो सिंधु भाषा की जो सिंधु लिपि थी, ठीक है, तो जो सिंधु लिपि थी उसको बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले कौन विद्वान थे? बताइए कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवरेंड हैरिस, ठीक है, इस तरीके से आप इसे करेंगे, चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? ऐसी कौन सी लिपि है जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ठीक है, और सुंदर है, और क्या है वो, वैज्ञानिक है। तो कौन सी लिपि है? तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सुंदर है और वैज्ञानिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? बताइए, जो देवनागरी लिपि थी इसका जो सुधारक था, जो सुधारने का जो था, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग किसके द्वारा प्रयत्न किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रयत्न किया गया था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, तो नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए, नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राधा कृष्ण दास, ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 का, तो क्वेश्चन नंबर 53 हमसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी आपकी 1910 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे उसके संस्थापक। पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है कि हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी, बताइए हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या थी? बताइए क्या थी? तो क्या थी, ठीक है, बताइए हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश थी। क्या थी? अपभ्रंश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है? बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बोली है, आपको दिख रहा होगा मगही दिख रहा है, अवधी दिख रहा है, मेवाती दिख रहा है, बुंदेली दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी दिख रहा है आपको जो बिहारी उपभाषा वर्ग की है? बताइए, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताइए आप, राइट ऑप्शन है ए, मगही जो है ये उपभाषा है बिहारी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 57 की, तो 57 क्वेश्चन है हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? अब बताइए आप, हिंदी का जो विकास हुआ था ये अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? तो किस रूप से हुआ था जब पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे सौर सेनी अपभ्रंश,
ठीक है, क्या बताएंगे? सौर सेनी अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। पाली किस धर्म की भाषा है? आप बताइए जो पाली हैं, ठीक है, पाली जो किस धर्म की भाषा है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का, ठीक है, भाषा की अगर हम बात करें तो आप क्या बताएंगे? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा की अगर हम बात करें तो पाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें तो देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? अब बताइए देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक लगा लीजिए अपनी कॉपी में और इसे स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार कई तरीके में कई एग्जाम में पूछा गया है कि देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, ठीक है, बताइए कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 52, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाता है, उसी से बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं किसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इस लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में स्वर की संख्या है। अब बताइए देवनागरी वर्णमाला में स्वर की संख्या है, तो स्वर की संख्या की अगर हम बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 4 में, इसके लास्ट वीडियो होगा पार्ट 4 और उसमें हम हिंदी भाषा एवं लिपि के क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनमें उसको डिस्कस करेंगे और हम चैप्टर वाइज इस तरीके से पढ़ते हुए जा रहे हैं और हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। जब हमारे 3 से 4 चैप्टर हो जाएंगे तो हम मिक्स क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करेंगे, ओके। चलिए थैंक यू। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जो इस वीडियो के पहले को नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके और सारे वीडियो को वो देख लें, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसके सिलेबस में हिंदी का पोर्शन है तो ये चैप्टर देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जितने चैप्टर हम अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो सारे उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ओके। चलिए थैंक यू।